नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, थंबनेल जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, एग्जैक्ट सही थंबनेल देख रहे हैं। वैकेंसी आई है, इस बात की जितनी खुशी है इससे कहीं ज़्यादा दुख इस बात का है कि इस वैकेंसी के लिए इंतज़ार कर रहे लंबे समय से वो छात्र जिन्होंने अपने करियर में इसी एग्ज़ाम के लिए क्या क्या नहीं खोया है। लगे थे कि अब आएगा यूपीएसआई, तब आएगा यूपीएसआई और हमको यूपीएसआई की एग्ज़ाम फिलअप करना है और इसको क्रैक करना, एकदम सीरियस जो कैंडिडेट थे उनको बाहर कर दिया गया है। एक एक दिन से छात्रों को बाहर कर दिया गया है ओवर एज बता करके। निर्दयता में कोरोना को भी पीछे छोड़ दिया है सरकार ने। क्या सरकार और कोरोना में कोई अंतर आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? मानते हैं कि कोरोना में आंकड़े ज़्यादा थे, दुख के जो आंकड़े थे वो ज़्यादा थे, लेकिन वो फैला भी तो विश्व लेवल में था। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में फैली एक बीमारी थी यूपीएसआई, समझ लीजिए कितने छात्रों को अंदर ही अंदर इस दुख को पीना पड़ा है। जिंदा तो हैं लेकिन मौत के ही समान उनको लगता है कि यार एक वैकेंसी थी चली गई। कोरोना आना किसी की गलती थी या नहीं ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष जान सकता है, जो भी व्यक्ति विशेष हो, किस कारण आया, क्या था। ये एक महामारी थी, महामारी सबने झेला, सरकार ने भी झेला और जो जनता थी इन्होंने भी झेला। क्या सरकार को बच्चों को एज रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए था? आज यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट की बात की गई, एक नोटिफिकेशन मार्केट में टहल रहा है, जिस नोटिफिकेशन में आप सब लोग हम दिखाएंगे कि क्या चल रहा है, क्या एग्ज़ाम डेट रखी गई, क्या सिस्टम है, क्या है, कैसे है। सरकार चाहती तो इसमें और भी बच्चों की संख्या बढ़ा करके और बच्चों को ऐड कर सकती थी, क्या ही जा रहा था, कुछ बच्चे और लाखों की संख्या में ऐड हो जाते, फॉर्म फिलअप करते, पेपर देने जाते, जो एक्चुअल में सीरियस कैंडिडेट थे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। कई लोगों ने रिट दाखिल की कि भाई रिट वाले जितने उनको मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी, क्या जनरल फैसला आएगा, सामान्य फैसला होगा, ये वो, लेकिन कुछ नहीं आया है हाथ में, तो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम डेट। चलिए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं एग्ज़ाम डेट क्या है, कैसे है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप सभी लोग क्लियर देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा दूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड, देखने में तो लग रहा है कि जैसे ये कोई फर्जी का टहल रहा है मार्केट में, क्योंकि आप सभी लोग देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती ये एक ही में कैसे लिखा हुआ है, एवं प्रोन्नति बोर्ड, अगर यूपीपीआर pvrpv.gov.in की साइट पर है ये तो ठीक है, मुझे ये मार्केट में टहलते हुए दिखा सोशल मीडिया पे, इसलिए मैं आप सभी लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसकी कितनी सच्चाई है आप सभी लोग स्वयं समझें जाने, मेरा काम है सिर्फ आप सभी लोग के लिए एक न्यूज़ देना और उन घटनाओं को सामने लाना जो एक्चुअल में हुई है। मेरा इस एग्ज़ाम को लेकर के कोई गलत नज़रिया नहीं है, जो भी छात्र इस एग्ज़ाम में परीक्षा दे रहे हैं उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग दम लगा के मेहनत करें ताकि इस बार नहीं कुछ पुराने तो कम से कम कुछ नए छात्रों के घर में रोशनी ज़रूर हो, कुछ छात्र बेरोजगारी की इस कठिन समय से अपने आप को मुक्ति दिला पाएं। तो हम बात करते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है, कृपया अवगत कराना है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर PSC एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के अंतर्गत ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 20/10/2021 से 14/11/2021 में कराया जाना निर्धारित है। तो एग्ज़ाम की डेट है आप सभी लोगों की 20/10/2021 से 14/11/2021। कार्यदायी संस्था द्वारा जिन परीक्षा केंद्रों को चिन्हित कर जनपदवार सूची उपलब्ध कराई गई है उसके निर्धारण की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उक्त परीक्षा केंद्रों की जनपदवार सूची संलग्न है। कुछ इस प्रकार से है, देखते हैं हम लोग। प्रसंगत परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर सुस्पष्ट आख्या इस बोर्ड को 3 दिवस के अंदर उपलब्ध कराना अपेक्षित है। पहला है, परीक्षा केंद्रों की नकल विहीन एवं सुचितापूर्ण परीक्षा कराए जाने के बारे में ख्याति क्या है।
दूसरा है परीक्षा केंद्रों में उक्त परीक्षा कराए जाने हेतु संसाधनों की उपलब्धता क्या है। तीसरा है इन परीक्षा केंद्रों की कलेक्ट्रेट कोषागार से दूरी क्या है। चौथा है कलेक्ट्रेट कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक आवागमन हेतु सुगम सड़क मार्ग है अथवा नहीं। पाँचवा है परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा हेतु बाउंड्री वॉल है अथवा नहीं। छठा है उक्त परीक्षा केंद्रों के संबंध में संलग्न सूची में अंकित सूचनाओं में यदि कोई परिवर्तन हुआ हो तो उसका विवरण आदि चीज़ें देनी है। तो एग्ज़ाम डेट की एक बार फिर से मैं जिक्र कर दूँगा आपके सामने, 20/10/2021 से 14/11/2021 कराया जाना निर्धारित है। उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम ही कुशल पूर्वक हो जाए और बच्चों के किसी भी प्रकार से खिलवाड़ ना हो। बाकी जिनके साथ जो हुआ, उम्मीद दिलाता हूँ सरकार के ऊपर आप सभी लोग भरोसा रखें, सरकार फिर आप सभी लोग के लिए कोई ना कोई वैकेंसी ले आएगी। जरूर हिम्मत मत हारिए, एकदम लगे रहिए। UPSI आप नहीं बन पा रहे हैं तो क्या हुआ, आपके छोटे भाई बहन जरूर बनेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यही एक अपडेट थी आप सभी लोगों को देना था। चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से जो भी महत्वपूर्ण समाचार होती है, अपडेट होती है, आप सभी लोग पास पहुँचाया जाता है। जो भी चैनल पर नया आ रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट, इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट आप सभी लोग से मिस ना होने पाए। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।